एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में किसी एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर से ये कैसे अलग होता है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम। तो ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेन केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ्रिक्वेंटली भाई। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बताओ क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, फिर हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज वर्सेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो देखो भाई, फॉर्मल चार्ज क्या होता है किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर आप किसी एटम के अराउंड बॉन्डिंग को कंप्लीटली कोवलेंट मान लो। आप क्या मानो भाई, कि अगर किसी एटम के अराउंड बॉन्डिंग क्या हो, 100% क्या हो, कोवलेंट, तो उस एटम के ऊपर कितना चार्ज असाइन होएगा, कितना उसके ऊपर भाई, कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन, कहीं से आए हो इलेक्ट्रॉन भाई, चाहे सराउंडिंग ग्रुप से हो चाहे सन्निधि हो। अगर आप क्या मानते हो कि भाई बॉन्डिंग अराउंड दैट पर्टिकुलर एटम इज कंप्लीटली कोवलेंट, तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रखे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जा रखे हैं, उसके वैलेंस से भाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलें, सुबह उसका उसका उतना भी फॉर्मल चार्ज है। नहीं बता आपको पहले पड़े, तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन एन एटम व्हेन बॉन्डिंग अराउंड इट इज कंसिडर्ड कंप्लीटली कोवलेंट। नहीं आपको, अरे बोलो भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, मान लिया मेरे पास क्या है, मान लिया अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई, अगर मैं ये कहूँ कि ये कार्बन है, क्या है मेरे पास, एक कार्बन नहीं, तो एक कार्बन है, ये मानो भाई दो बॉन्ड बनाए हुए इस साइड, इससे और दो बॉन्ड इस साइड, ये मैं तो आपको पहले पड़ी, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई, तो आपने कैसे मालूम करना है, तो कार्बन के पास नॉर्मली क्या होते हैं, चार होते हैं ना भाई, तो अगर ये बॉन्ड पूरी तरह कोवलेंट है तो इन दो में से एक माना जाएगा इसका, इसके पास कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या मानो पूरी तरह कोवलेंट, एक और आ गया, बोलो भाई बिना बॉन्डिंग के कार्बन के पास क्या होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन। और अब देखियो भाई, अरे बोलो अब बताओ क्या हमारे पास, क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या मानो पूर्ण कोवलेंट, एक इसका पूर्ण कोवलेंट, एक इसका, तुम क्या बोलेंगे इसको, तो चार आ गए ना, तो बॉन्डिंग चार हो, वैसे चार है, तो इसके पास बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया नहीं माना जाएगा ना, तो जीरो फॉर्मल चार्ज, क्या हो इसका, जीरो फॉर्मल चार्ज। लेकिन अगर ये हो जाए कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ, बोलो भाई, अच्छा तो सिमिलरली भाई इन ओ का भी क्या होगा, अब इनके पास क्या है, दो दो चार, दो और दो चार, नहीं आपको, अब बताओ भाई, अब क्या मान लो, अब इसके पास बताओ मेरे पास क्या है, बोलो भाई, और इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स, क्या भाई दो, और यहाँ बताओ क्या हमारे पास, दो दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आएगा आपको, तो आप बताओ भाई इसके पास कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, इस ओ के पास कितना आएगा, तो ओ के पास नॉर्मली क्या होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स, आप बताओ यहाँ कितने हैं, दो तो इसके ये हो गए, और वही इस बॉन्ड के क्या पूर्ण कोवलेंट, एक इससे आ गया, एक इससे और एक इससे, तो तीन और दो पांच, तो ए तो एक कम और खान इसका, तो क्या चार्ज है इसके ऊपर, हाइपोथेटिकली प्लस वन चार्ज आएगा ना, और यहां बताइए हुई, यहां बताइए हुई, यहां तो कहेगा, तो छह तो हैं इसके, ये बॉन्ड पूर्ण कोवलेंट मानियो, एक इसका माना जाएगा फिर एक इसका, तो सात हो गए ना, नॉर्मली क्या छह होते हैं भाई, तो
तो एक बाहर से रखा कितने हो गए माइनस वन, नहीं आपको? तो भाई क्या बोलते हैं, क्या होता फॉर्मल चार्ज बताओ, बोलो भाई। किसी एटम के अराउंड अगर आप बॉन्डिंग पूरी तरह क्या मानते हो कोवलेंट, तो उसके पास उसके ऊपर जो चार्ज अलॉट होएगा असाइन होएगा उसे क्या बोलते हैं, उसको फॉर्मल चार्ज। नहीं आ गया आपको? अब भाई आप बार बार आप कहोगे भाई कैसे हमको बार बार ऐसे भाई इनको काउंट करना पड़ेगा, नहीं इसका एक फॉर्मूला होता है। तो भाई फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से आप भाई फटाफट फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। और क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम बताओ क्या होता है, ये होता है एन वी, क्या होता है एन वी भाई? नहीं आपको एन वी बताओ क्या है, एन वी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलो भाई, और प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय टू, ये फॉर्मूला। या इनको भाई एवरेज इलेक्ट्रॉन ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन वी माइनस एन ए, जहां पर एन ए क्या होता है, ये होता है। नहीं आएगा आपको? तो भाई आप इससे फॉर्मल चार्ज बहुत ही इजीली मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह मान लिया हमारे पास क्या है, बोलो भाई बताओ, अगर हम ये कहें, चल मैं ये कहूँ भाई, अगर मैं यही बोलूँ कि मान लिया हमारे पास नाइट्रो बेंजीन, हमारे पास क्या है नाइट्रो बेंजीन, तो डबल बॉन्ड और ओ आ गया ना भाई फॉर्मूला। तो आपसे पूछो भाई इसमें एन का आप क्या बनाओ फॉर्मल चार्ज। अच्छा फॉर्मल चार्ज के लिए भाई इलेक्ट्रॉन सारे शो किया करो, नहीं आ गया आपको? तो बोलो भाई, अरे ये आपको इसके इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं हुए, अरे भाई एन ने क्या बना रखा है डेटिव बॉन्ड, एन ने क्या बना रखा है डेटिव बॉन्ड, तो इस ओ का पहले फॉर्मल चार्ज दो भाई, बताओ इस ओ का फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? तो इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या आएगा बताओ भाई? तो कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं, चार माइनस। अब बताओ भाई इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने है? जीरो। प्लस बॉन्डिंग कितने है? बोलो बॉन्डिंग कितने इसके माने जाएंगे, दो दो चार दो छह और दो आठ। हाँ अरे भाई चार बॉन्ड आठ हो गए, ये आठ इसके माने जाएंगे, तो आठ बटे दो कितना आया, जीरो। इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। इस ओ का बताइए भाई, इस ओ का बताओ फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इस ओ का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, कैसे भाई? छह वैलेंस हैं, माइनस क्या क्या बताओ, चार सॉरी अरे छह माइनस, अब बताओ क्या है यहाँ पर, चार तो प्लस में क्या आ गया, दो और दो चार, चार बटे दो, छः माइनस छः जीरो, इसका क्या बताओ भाई, जीरो फॉर्मल चार्ज। ओके और बताओ, और किसका आएगा हमारे पास, कौन और कौन है, नाइट्रोजन, वेरी गुड। ये बताओ भाई अब इसके पास कोई नॉन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो इसके पास होते कितने, पांच होते हैं, तो पांच माइनस है, बताओ भाई नॉन बॉन्डिंग जीरो प्लस दो, ये चार छ आठ, आठ बटे दो, एक तो क्या इसका प्लस का फॉर्मल चार्ज, इजंट इट? अब बताओ इसके ऊपर क्या आएगा हमारे पास, दो चार छ आठ, दो चार छ भाई सात होते हैं ना इसके पास, सॉरी छ होते हैं ना ऑक्सीजन के, छ माइनस, अब छ तो क्या है नॉन बॉन्डिंग प्लस दो क्या है बॉन्डिंग बटे दो माइनस एक। आ गया आपको भाई? तो ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट आ गया ना आपको, ये जितना आसान है उतना ही क्या है इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और फॉर्मल चार्ज वर्सेज ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज वर्सेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक तो इनको डिपिक्ट करने में क्या होता है अंतर होता है, फॉर्मल चार्ज को
शो करते हैं ऐसे ऐसे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ऐसे, एम प्लस सी एल नेगेटिव। नहीं मतलब पहले बड़ी यंत्र होता भाई। ओके आप बताओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जब बॉन्डिंग क्या हो पूरी तरह से, अगर आप किसी सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्डिंग क्या मान ले तो पूरी तरह से कोवलेंट, तो जो चार्ज असाइन होगा क्या होगा बोलो भाई? अगर आप किसी एटम के अराउंड बॉन्डिंग क्या मान ले तो पूरी तरह से भाई कोवलेंट, तो क्या है फॉर्मल चार्ज। और जो चार्ज असाइन कब हुए, जब बॉन्डिंग क्या मान लो पूरी तरह से आयनिक, तो जो चार्ज है वो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर आपने बॉन्डिंग क्या मान लिया एटम के अराउंड आयनिक, अगर आपने एटम की बॉन्डिंग आयनिक मानी है पूरी तरह से 100%, तो क्या आएगा भाई चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होएगा। फॉर एग्जांपल NaCl, यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे किसने भी शेयर किया है ना, हम क्या बोलेंगे इस कार्यक्रम यहाँ पर पूरी तरह गया तो 1+ CaCl2 इलेक्ट्रॉन गए दो भाई, खत्म टाटा बाय बाय। बोलो भाई तो क्या बताओ 2+ आ गया आपको भाई, तो क्या अंतर दस मत हुए ऑक्सीडेशन नंबर में, नहीं आ गया आपको ये? ओके ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।